गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं बच्चों? गुड इवनिंग सबा, रजत, फजल, कौशिकी, मुन्ना, उषा कुमारी, दीपक, कुमारादित्य, शुभम। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लो। आज बच्चों, आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अभी तक हम लोगों ने मिशन 340+ में कितने चैप्टर कर लिए? 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 2 यूनिट हो गई बच्चों। यूनिट 10 इकोलॉजी की, जिसके चारों चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करा दिया गया। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना? क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों देखते हैं, सफलता का कोई रहस्य है क्या? है भाई, या तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का परिणाम है? कॉलिन पावेल। तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे सफल बना जाए। तो बस कुछ नहीं बच्चों, आप क्या करना है, तैयारी करते रहिए, कड़ी परिश्रम करते रहिए, और जो आपको असफलता मिलती है, जैसे टेस्ट देते हो नंबर कम आ जाता है, तुरंत परेशान हो जाते हो, नहीं, वो आपको सिखाता है कि आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है ना? हाँ भाई, अब की बार 700 पार, गुड। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा, पिरामिड देख लेते हैं। तो पिरामिड में जरा देख लो, चैप्टर में भाई 2 पेज से खाली हर ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चैप्टर है छोटा सा, लेकिन क्वेश्चन हर साल 2 से 3। नीट 2019 में 4 क्वेश्चन, 2020 में 3 क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री फंड का नंबर देता है क्योंकि पूरा एनसीईआरटी से लाइन उठाया रहता है। चलो देखते हैं बच्चों, टोटल पेज कितने हैं? 11। कहां से कहां तक? 179 to 189, ठीक है ना? अब बेटा अगर देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बेटा? पेज नंबर 183। मुझे तो लगता है इस चैप्टर की शुरुआत 183 से ही करनी चाहिए। 183 पे बेटा क्या क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं, 3 पैराग्राफ है। एक में बेटा लैक्टिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, इसके बारे में बताया है। एक में बेटा आपका लाइपेजेस हो गया, पेक्टिनेजेस हो गया, और एक में बताया बेटा आपका स्टैटिन हो गया, स्टेप्टोकाइनेज हो गया, ये सब के बारे में। तो ये किसका कौन सा क्या प्रोडक्ट है, यही आपको याद करना है। पेज नंबर 183 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना क्वेश्चन पूछा गया बेटा? 13 क्वेश्चन, 10 में, 11 में, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20। कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें ना क्वेश्चन पूछा गया हो इस पेज से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है भाई, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। और इसी पेज से बेटा इस चैप्टर में नीट 2021 में भी क्वेश्चन आना ही आना है, 183 पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपका 184। 184 पे क्या दिया हुआ है? तो 184 पे बेटा आपका है एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एसटीपी सिंपल से एक डायग्राम से, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बाद आपका एनरोबिक स्लग डाइजेशन, खत्म। कितने क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों? 10 क्वेश्चन, 11 में 2, 12, 13, 14, 15 में 2, 17, 20 में 2। 2020 में बेटा एसटीपी से 2 क्वेश्चन आया था, एसटीपी से बच्चों 2 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना? गुड इवनिंग अमृता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेज बेटा आपका 187। 187 में अगर हम लोग बच्चों देखें, तो यहां पे दिया हुआ है माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। 187 से कितने क्वेश्चन पूछे गए भाई? 6, 10 में 2, 11 में 2, 13 में और 17 में, ठीक है ना? तो भाई अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट देख लिया आपका 183, देन 184, देन 187। 188 जो आपका बेटा बायो फर्टिलाइजर वाला है, जहां पे आपको साइनोबैक्टीरिया दिया है, जहां पे राइजोबियम दिया, जहां पे एजोटोबैक्टर दिया है, जहां पे एजोस्पायरलम दिया है, जहां पे आपने साइनोबैक्टीरिया देखा है, वो वाला पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, 188, ठीक है ना? बाकी 182, 185, 188, 1 से भी क्वेश्चन आया हुआ है। किस पेजेस से नहीं आए? तो शुरुआती के जो बेटा 179, 180 एंड 186, इस पेज से अभी तक कोई क्वेश्चन आपका नीट, मतलब AIPMT और नीट में 2010 से 2020 में नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना भाई? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
तो कहने का मतलब बेटा बस दो पेज से, 183, 184 से, 28.2, 183 से और 184 से 25.6, इतने क्वेश्चन आए बेटा, सिर्फ 53, 54 के आसपास आया बेटा, 54% क्वेश्चन सिर्फ बेटा आपके दो पेज से आए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर बार की तरह भाई हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे किस पेज से क्या क्वेश्चन आया है, और इस पेज से ज्यादातर बेटा आपके लर्न वाले याद करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो एक क्वेश्चन आया था हेलुसिनेजेनिक फंजाई, कौन से ईयर में आया था भाई आपका, अमेंसिया मस्केरिया होता है, हेलुसिनेजेनिक फंजाई होता है बेटा अमेंसिया मस्केरिया। ये क्या होता है, एगारिकस, देखा आप लोगों ने, तो जो एगारिकस होता है ना तो एक रेड कलर का होता है एगारिकस, वो होता है बेटा आपका एमेंसिया मस्केरिया, ठीक है ना। ये हेलुसिनेजेनिक प्रॉपर्टी होती है, जरा बताइए भाई हेलुसिनेजेनिक प्रॉपर्टी, और ईयर जो था इसका बेटा 2014। तो 2014 में एक क्वेश्चन थोड़ा सा आउट था, हेलुसिनेजेनिक प्रॉपर्टी अमेंसिया मस्केरिया अगेरिकस है, रेड कलर का होता है, पॉइजनस होता है, हेलुसिनेजेनिक होता है। गुड इवनिंग आदित्य, ठीक है, आरबी कुमो भेज देंगे भाई, ते बेटा देख लेना। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका फेड बैच प्रोसेस, ये आया था 2011 में, काफी पुराना क्वेश्चन है। तो तीन प्रकार के प्रोसेस होते हैं बच्चों, एक बैच प्रोसेस होता है, एक फेड बैच प्रोसेस होता है, और एक होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है ना। मैं उसका आपको पीडीएफ दे दूंगा, ये है आपका, फर्मेंटेशन में बेटा आपके तीन प्रोसेस हो गए, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक फेड बैच होता है, और एक बैच प्रोसेस होता है। बैच प्रोसेस में शुरू में ही जो आपका प्रोडक्ट रखा होगा, जितना भी अमाउंट सब्सट्रेट का आपने लिया है, न्यूट्रिएंट्स का लिया है, उसके बाद आपको दोबारा कुछ ऐड करना नहीं होता, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, कॉमनली यूज है, इसमें रिलेटिवली स्लो सब्सट्रेट यूटिलाइजेशन होता है, लो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन एंड स्टेन म्यूटेशन, क्यों, क्योंकि बाद में कुछ ऐड नहीं करना पड़ता। फेड बैच प्रोसेस बेटा आपका बेस्ट ड्यूरिंग सब्सट्रेट इनहिबिशन एंड कैटाबोलिक रिप्रेशन, यानी एंजाइम प्यूरिफिकेशन में ज्यादा यूज किया जाता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, लॉग एंड स्टेशनरी फेज में होता है। और जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है बच्चा, इसमें बस अंतर क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। आप कहोगे सर इसको पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है, बस आपको दिखा दिया कि क्या होता है। कई बच्चे जैसे बोलो फेड बैच प्रोसेस तो कहते सर होता क्या है, तो एक नॉर्मल जो प्रोसेस है दैट इज बैच प्रोसेस, उसमें कंटामिनेशन नहीं होना है, उसमें जितना आपने सब्सट्रेट ले लिया, न्यूट्रिएंट्स ले लिया, फिर दोबारा ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर दोबारा बीच बीच में भाई इंड प्रोडक्ट आने से पहले आपको ऐड करना पड़े, दैट इज फेड बैच प्रोसेस, और एक होता है बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस। फेड बैच प्रोसेस 2011 में पूछा गया था, इसलिए आपको थोड़ा सा दिखा दिया, बाकी आपको भेज देंगे पीडीएफ, देख लीजिएगा। अब बेटा कहते हैं इस पेज से कोई क्वेश्चन आया है, तो इस पेज से एक भी क्वेश्चन नहीं आया ना पूछा जाएगा, लेकिन एक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, माइक्रोब्स क्या होंगे। तो मेरा क्वेश्चन, माइक्रोब्स में बच्चा बताओ लिविंग आते हैं कि नॉन लिविंग आते हैं कि दोनों आते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोब्स में लिविंग आते हैं, नॉन लिविंग आते हैं कि दोनों आते हैं। माइक्रोब्स में बच्चों लिविंग, नॉन लिविंग और बोथ, यस बोथ आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला होता है बच्चों दैट इज लिविंग, लेकिन अगर माइक्रोस बोल दिया तो बोलने का मतलब हो गया बेटा इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं। अब कई लोग माइक्रोस में खाली बैक्टीरिया फंजाई इन्हीं को समझते हैं। माइक्रोस लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटरी मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज। अब क्वेश्चन पूछा जाता है जो माइक्रोब्स होते हैं भाई, उसको तो आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हो, नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इनकी कॉलोनी को क्या आप देख सकते हो, तो यस वी कैन सी नेकेड आईज, ये बात याद कर लेना। फंगल कॉलोनी को या जो बैक्टीरियल कॉलोनी है दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई, लेकिन उनको आप बेटा अकेले इंडिविजुअल नहीं देख सकते। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडी ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
अब बेटा इस पे डायग्राम बना हुआ है, एडेनो वायरस का बना हुआ था, टोबैको मोजेक वायरस का बना हुआ है, और एक बैक्टीरियोफाज का डायग्राम बना हुआ होगा आपके पेज नंबर। बेटा जरा देख लो माइक्रोस्कोप में कितना बढ़ा के देखा गया है। फिलहाल बैक्टीरियोफाज का कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम से क्वेश्चन रिलेटेड आया हुआ है, तो डायग्राम आपको याद होना चाहिए। हेड होता है, कॉलर होता है, टेल होता है, प्लेट होता है, पिंस होता है, प्रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है ना। प्रॉन्ग्स ही क्या है बेटा, आपके टेल फाइबर है। जरा बताइए बी वाला डायग्राम किसका बना हुआ है। ये बी वाला डायग्राम किसका भाई, बी यस एडिनो वायरस। देखो बच्चा ये लिखता है, ये मीन्स होता है एडिनो वायरस। ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, रेस्पायरेटरी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है होता क्या है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं जनरली बेटा, और नॉन एनवेलप्ड होती है बच्चों, इनवेलपिंग नहीं पाई जाती इसमें, ठीक है ना। नॉन एनवेलप्ड होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बाकी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया ना वाला। बाकी इधर देख लो बेटा, एक बैक्टीरियल कॉलोनी का एक डायग्राम बना हुआ है, और एक बेटा आपका फंगल कॉलोनी का डायग्राम बना हुआ है पेट्री डिश में। अब सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो आप घरेलू सामान इस्तेमाल करते हैं उसमें कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले बेटा आता है आपका लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या कन्वर्ट करता है भाई, मिल्क। मिल्क को कन्वर्ट करता है बेटा कर्ड में। मिल्क में एक प्रोटीन होता है कशीन, कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों, कशीन। इसका क्या कर देता है भाई, डाइजेशन कर देता है फुल्ली की, पार्शियल, तो पार्शियल डाइजेशन। तो बहुत लोग पूछते हैं ना दूध पिए कि दही खाएं, तो भाई दही खाओगे तो माइक्रोब्स क्या कर देगा, पार्शियल डाइजेशन पहले से खुद को किया हुआ है, तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, आपको डाइजेशन में थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी, इजिली डाइजेस्टेबल होगा, और साथ ही साथ एक विटामिन की न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देता है, डेट इज विटामिन B12। ये भी याद होना चाहिए, आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये पूछा गया था कि 10 मिल्क कन्वर्टिंग टू कर्ड विच ऑल्सो इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये आया हुआ क्वेश्चन है, विटामिन B12 याद रहना चाहिए भाई। हाँ भाई विटामिन B12 बहुत बार आया है, पूछा कौन सा ईयर में अगर जानना चाहें तो लिख लीजिए, नीट 2018 में आया था ये क्वेश्चन, नीट 2018, सोम टच चार्ज, नीट 2018, ठीक है ना। तो भाई देख लो जरा, इसमें आप कहोगे सर इसमें क्या है, बस आपको याद होना चाहिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब मिल्क को कन्वर्ट करते हो बेटा कर्ड में, प्रोटीन क्या होती है मिल्क में, कसीन, उसका क्या करता है फुल्ली डाइजेशन नहीं बेटा पार्शियल डाइजेशन, और साथ साथ उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ाता है, याद रहेगा। फिर साथ ही साथ बेटा द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको ग्रोथ को चेक भी करता है, कंट्रोल भी करता है। तो तीन रोल हो गया बेटा, एक तो कर्ड खाने से दही खाने से क्या होगा पार्शियल डाइजेशन हुआ है तो इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, वाइटामिन भी मिल जाएगा, कौन सा B12, विटामिन B12। उसके बाद भाई आपको क्या मिल जाएगा, साथ ही साथ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से छुटकारा मिल जाएगा, क्लियर हो गया, बस खत्म यहां तक, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना है भाई, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब भाई यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपका फर्मेंटेशन, बच्चों आप लोगों ने फर्मेंटेशन वहां पे पढ़ा होगा, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में, तो फर्मेंटेशन में वहां पे दो प्रकार के फर्मेंटेशन पढ़ा था, एक होता था एल्कोहलिक एक होता था लैक्टिक, यहां पे कौन सा हमको पढ़ना भाई, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो भाई फर्मेंटेशन जो करेगा उसका नाम क्या होगा भाई, जरा देखो फर्मेंटेशन कैसे होता था, पायरविक एसिड बदल जाता था इथाइल एल्कोहल में, जरा बच्चों देखो पायरविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, CH3 CO COH, ये है आपका पार्विक एसिड, कार्बन कितने भाई, तीन,
इथाइल अल्कोहल में कितने कार्बन भाई? दो, तो यानी कार्बन निकला होगा, तो यानी प्लस CO2, CO2 गैस इवॉल्व हुई। पारविक एसिड बदल गया बेटा आपका किसमें? इथाइल अल्कोहल में। तो बच्चों आपको पहली बात, एक बात याद होना चाहिए कि पारविक एसिड बदल रहा है इथाइल अल्कोहल में, एसिड बदल रहा है अल्कोहल में, रिडक्शन हो रहा है, एंजाइम क्या चाहिए? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, सॉरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। और बेटा पायरुविक एसिड से क्या निकालना है? CO2, तो क्या बोलोगे, एंजाइम क्या चाहिए भाई? पायरुवेट डी कार्बोक्साइलेज। ये भी आप याद कर लीजिएगा कि जब फर्मेंटेशन होता है पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है बेटा इथाइल अल्कोहल में, साथ साथ CO2 निकलता है, तो CO2 निकालने वाला एंजाइम क्या होगा? पायरुवेट डी कार्बोक्साइलेज। और अल्कोहल बन रहा है बाया रिडक्शन, तो एंजाइम क्या होगा बेटा? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब भाई CO2 गैस निकल रहा है, तो भाई इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकरी प्रोडक्ट, जो आप पाव खाते हो सुबह सुबह, ब्रेड खाते हो, उन सब में बेटा ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना? कैसे भाई? जायज बात है, आपका डोफ रख दो काफी देर तक, शुगर है तो ईस्ट वगैरह क्या करेंगे बेटा, ईस्ट पाउडर यूज कर लो, तो ईस्ट क्या करेगा उसमें फर्मेंटेशन करने लगेगा। जब फर्मेंटेशन करेगा तो भाई क्या हो जाएगा, C2H5OH+CO2 भी बनेगा। आप उसको जब हीट करोगे तो गैस इवॉल्व होगी, जब गैस इवॉल्व होगी तो जहां से निकलेगी वहां पे स्पेस क्रिएट करेगी, तो पफीनेस आ जाएगा। जो ब्रेड वगैरह खाते हो कैसा हो जाता है उसमें? पफीनेस, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। ये आपको याद होना चाहिए, क्लियर? प्रीवियस ईयर कर लो जय बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आजकल गर्मियों में आपको पता होगा, तो भाई ये जरा बैक्टीरिया पूरा नाम याद होना चाहिए आपको, ईस्ट का, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये बेटा होता है बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, यानी बेकरी प्रोडक्ट में यूज करते हैं, और इथाइल अल्कोहल बन रहा था तो उसमें बेटा क्या करेंगे बेटा, ब्रिवर्स, यानी जो ड्रिंकिंग इंडस्ट्री है, ब्रिवर्जरेस वाली, दैट इज ब्रिवर्स इंडस्ट्री, वो होगा बेटा आपका इथाइल अल्कोहल। तो बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं बेटा उसको, ब्रिवर्स भी बोलते हैं। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल डिल कैंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाई फर्मेंटेशन बाई माइक्रोब्स। टॉडी याद कर लेना, साउथ इंडियन का है भाई। अब इसके बाद बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट है ये आपका स्विस चीज, इसमें भी बेटा लार्ज होल आता है ड्यू टू CO2, लेकिन बैक्टीरिया कौन सा है? प्रोपियानी बैक्टीरियम सरमनाई, प्रोपियानी बैक्टीरियम सरमनाई। और एक चीज है बेटा आपका रॉकफोर्ट चीज, ये बेटा आपका आता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ठीक है ना, पेनिसिलियम रॉक फर्टाइल। तो भाई आप अगर हम तो आपसे यहां से तीन पॉइंट निकल के आता है, आपको बस थ्रू द पॉइंट याद होना चाहिए। पहला, CO2 के इवोल्यूशन करने वाला आपका ईस्ट का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसका एक नाम होता है बेकर्स ईस्ट यानी बेकरी प्रोडक्ट में यूज होता है, एक नाम होता है बेटा ब्रिवर्स ईस्ट यानी कि बिवरेजेस, जो एल्कोहलिक बिवरेजेस होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एल्कोहल निकलता है। बाकी आपको रेस्पायरेशन से लिंक करना होगा इसको, ठीक है? इसके बाद बच्चों इसमें एक पॉइंट और बनता है कि कौन सा ऐसा चीज है जो CO2 वाला है, तो प्रोपियानी बैक्टीरियम सरवनाई, जिसका नाम होता है स्विस चीज, इसमें बेटा लार्ज होल्स आते हैं ड्यू टू CO2। इसके बाद एक होता है रॉकफर्ट चीज, पेनिसिलियम रॉक फर्टाई। ये जो बेटा अलग अलग प्रकार के चीज होते हैं, पनीर होते हैं, ये ड्यू टू होते हैं बेटा उनके डिस्टेंट, टेक्सचर अलग होता है, फ्लेवर और टेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है ना? टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, ये तीनों चीज अलग अलग होती है, इसलिए बेटा अलग अलग प्रकार के आपके चीज के प्रोडक्ट मिलते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने खाना खाया होगा, पिज्जा खाया होगा, तो वहां पे कौन सा चीज था भाई? मोजरेला चीज। कौन सा चीज था? मोजरेला चीज। एक पॉइंट और बेटा यहां से इंपॉर्टेंट है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बड़े बड़े फर्मेंटर में करेंगे। कहोगे सर इंपॉर्टेंट मेन क्या है ये आपका? दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक डिस्टिलेशन वाला और एक विदाउट डिस्टिलेशन, ये आपको याद होना चाहिए। एक बनेगा बेटा आपका विदाउट डिस्टिलेशन और एक बनेगा भाई विद डिस्टिलेशन, ठीक है ना? विदाउट डिस्टिलेशन में कौन कौन सा एग्जांपल होगा बेटा? वाइन एंड बियर। अब विद डिस्टिलेशन में बेटा आपका आएगा विस्की, ब्रांडी एंड रम। बस ये मेन इंपॉर्टेंट है भाई।
वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की ब्रांडी एंड रम बेटा ये विद डिस्टिलेशन है। अब बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आपने रेस्पायरेशन इन प्लांट में पढ़ा होगा, ईस्ट पॉइजन्स टू डेमसेल व्हेन अल्कोहल कंसंट्रेशन रीचेज अबाउट 13%। कहते हैं ईस्ट जो फर्मेंटेशन कर रहा है अगर उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना पहुंचे लगभग 13%, तो ईस्ट की डेथ हो जाएगी। तो क्या इसका मतलब होगा कि अल्कोहल का मैक्सिमम कंसंट्रेशन 13% होगा कि उससे ज्यादा भी हो सकता है जो अल्कोहलिक बीवरेजेस हैं? बताइए भाई, जो अल्कोहलिक बीवरेजेस होते हैं बच्चों, क्या उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% ही लिमिट है कि उससे ज्यादा भी हो सकता है? बताओ भाई। यस सूर्या, वेरी गुड बच्चा। नहीं नहीं प्रत्युष, हो सकता है भाई, ज्यादा हो सकता है। नहीं, वोडकम 90% कहां से होता है संजय, स्प्रिट हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो देखो देखो देखो, यस हो सकता है। तो कहने का मतलब जो विदाउट डिस्टिलेशन है वाइन एंड बियर, इसमें 13% से ज्यादा कंटेंट नहीं हुआ। जो विद डिस्टिलेशन यानी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है ना भाई, डिस्टिलेशन आपको याद होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आप लोगों ने। तो वहां से बेटा डिस्टिलेशन में क्या होता है, प्यूरिफाई करना, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यानी ये जो विद डिस्टिलेशन वाले हैं आपके ब्रांडी रम एंड विस्की, इन सब में 13% से ज्यादा कंसंट्रेशन हो सकता है। ठीक है ना भाई? आप कहोगे सर किसमें हो सकता है, दे तो दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं आपको, लेकिन आप याद मत करना, बस आपके मानसिक संतुष्टि के लिए दिखा दे रहे हैं। तो जरा देख लो बेटा, बियर में बारले से किया जाता है बेटा आपका, अल्कोहल कंटेंट 4-8% होता है। वाइन ग्रेप से निकाला जाता है बेटा, अल्कोहल कंटेंट 10-20%। ब्रांडी इट इज प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ वाइन एंड अल्कोहल कंटेंट 43-57%। गिद इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम यूरोपियन राई, सिकेल सीरियल से निकाला जाता है। और बेटा रम होता है, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मोलेसेस, पूछा गया है मोलेसेस इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सुगर कैन एंड अल्कोहल कंटेंट इज 40%। आपको परसेंटेज नहीं याद करना है क्योंकि अलग अलग जगह का वैरी करता रहता है, अलग अलग ब्रांड का भी वैरी करता रहता है, इसलिए कोई मतलब नहीं है, बस एक रेंज होता है। दूसरी चीज है, आपको ये याद होना चाहिए, मोलेसेस रम बनाने के लिए मोलेसेस यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप, मोलेसेस। क्वेश्चन कब कब आया था, 2012 2011, बहुत पुराना क्वेश्चन आया है इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब भाई एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे काम कर रहे थे? बैक्टीरिया का नाम स्टेफाइलोकोकाई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया वंस ऑब्जर्व्ड अ मोटाइल ग्रोइंग इन ऑन हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। एक बार ग्रो कर रहा था लेकिन दोबारा ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि कल्चर क्या था, धूला नहीं था। तो उसमें बेटा उन्होंने देखा बाद में, तो वहां पे एक मोल्ड पाया गया जिसका नाम उन्होंने रखा था बेटा पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है ना? और वहां से जो मोल्ड से निकलता था उसका नाम रखा गया था पेनिसिलिन। तो बेटा पहली एंटीबायोटिक डिस्कवरी है, पूरी कहानी आपको पता है, तो यहां से चाहो तो यूज कर लो। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कहां से निकाला गया था? पेनिसिलियम नोटेटम। कौन से साइंटिस्ट थे बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किस पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई। बच्चों स्टेफाइलोकोकाई और स्टेप्टोकोकाई दोनों में बड़ा कंफ्यूज कराया जाता है, याद रखिएगा। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी और कभी कभी नाम बदल के बता दिया जाता है स्टेफाइलोकोकाई न्यूमोनी। तो ध्यान रखिएगा, स्टेफाइलोकोकाई है स्फेरिकल ही, राउंड है, लेकिन स्टेफाइलो है तो ग्रेप लाइक होंगे। ठीक है ना? और स्टेप्टो है तो बेटा ये क्या हो जाएगा? चेन लाइक हो जाएगा। क्लियर? आप जरा देखो, लेकिन इसका फुल पोटेंशियल जो है, हाउवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश मच लेटर बाय अर्नस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे। आया हुआ क्वेश्चन बेटा, कई बार पूछा गया फुल पोटेंशियल किसने डिस्कवर किया था। ठीक है ना?
तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने काम कर रहे थे किस पे? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे। क्या डिस्कवर किया? पेनिसिलिन का। और बेटा कहां से निकला था? पेनिसिलियम नोटेटम से निकला था। लेकिन इसका फुल पोटेंशियल किसने डिस्कवर किया था? फ्लोरे एंड चेन, पूरा नाम है अंश चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। वर्ल्ड वॉर टू में बहुत ज्यादा यूज किया गया था अमेरिकन सोल्जर के लिए जो घायल हो गए थे इन वर्ल्ड वॉर टू। फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। आपको ये डाटा याद होना चाहिए, ठीक है ना? तो भाई ये एक सेरेंडिपिटी थी। सेरेंडिपिटी मतलब होता चांस डिस्कवरी थी। काम कुछ और कर रहे थे, मिल कुछ और गया। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेस? यस, नाम तो आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो बच्चों जरा देख लो, पेनिसिलिन तो आपको पता होगा पेनिसिलियम नोटेटम से है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ईयर भी है। इसके बाद बेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट याद करना होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आप याद कर लीजिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस है और वॉक्समैन ने, ये साइंटिस्ट का नाम ना याद रहेगा चलेगा। बाकी आप बेटा आपके ऊपर है, टेट्रासाइक्लिन याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है ना? क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं आना है, इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करना हमें, ठीक है ना? आज इतना क्या हो गया? HDMI पकड़ ही नहीं रहा। यहाँ आना चाहिए। महान आत्मा चार दे तो हद है तुम्हारे। बस एक सेकंड बच्चों, आन नहीं कर पा रहे थे आपको। बस बच्चों एक मिनट रुकिए, ठीक है? पेनिसिलियम याद होना चाहिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन याद होना चाहिए। आपको अगर सर याद करें मत याद करो, लास्ट समय में एक बार देख लेना। जिस दिन पेपर देने जाना एक दो दिन पहले एक नज़र देख लेना, ऑप्शन में अगर आ गया तो ठीक है, तैयारी पूरी होनी चाहिए। याद बिल्कुल मत करना। हालांकि दे मैंने आपको सब दे दिया, जितने हैं सारे दे दिए आपको, ठीक है? अब भैया इस पेज में 183 में ये जो आपका तीन पैरा दिया हुआ है, केमिकल्स एंजाइम अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इसी को आपको याद करना है, इसी से आपका क्वेश्चन आना है, ठीक है भाई? इसी से याद करना है, इसी से क्वेश्चन आना है। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड में, एल्कोहल एंजाइम में, जरा पहले एसिड का देखते हैं। सबसे ज्यादा बेटा आपको याद करना होगा एस्पर्जिलस नाइगर से निकलता है सिट्रिक एसिड। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जरा देखते हैं कब, नीट 2019 में आया है, ठीक है ना? तो जरा देख लो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बेटा आपका। बाकी बेटा मैचिंग में बहुत आता है, मैचिंग वाला दे दिया जाता है, उसमें एक ना एक ऑप्शन आपका रहता ही रहता है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो एस्पर्जिलस नाइगर फंगस होता है बेटा, यहाँ से सिट्रिक एसिड निकलता है। बस बच्चों आपको सिट्रिक एसिड वाला याद कर लीजिए, बाकी कुछ मत याद करिए यहाँ से। आप कहोगे ऐसा क्यों सर? बाकी देखो नाम से याद हो जाएगा, देखते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड,
क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, तो इनको क्यों याद करोगे? और बाकी ध्यान से देखो, बाकी तीनों बैक्टीरियल हैं वो भी नहीं याद करना है, एक ही फंगल है एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, बस आपको यही याद करना है। हाँ तो भाई बस एक याद करो, कह दो हम कसम खाते हैं बस खाली एस्परजिलस नाइगर जो फंजाई है जहां से निकलता है सिट्रिक एसिड उसी को याद करेंगे, बाकी एसिटोबैक्टर एसिटाइस एसिटिक एसिड नाम ही बता रहा है, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड नाम ही बता रहा है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम से ब्यूटायरिक एसिड नाम ही बता रहा है, तो क्यों याद करोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी 2013 मेंस, 2011 2011 2017 बहुत बार आया है बच्चा, क्या है जरा देखते हैं। आपको पता होगा यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है ईस्ट, उसका नाम है बेटा सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम लाइपेजेस यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। लाइपेज है बेटा तो लिपिड यानी ऑयल स्टेन को हटाने में यूज किया जाएगा, तो डिटर्जेंट में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपने ट्रॉपिकाना जूस पिया होगा, तो जब ट्रॉपिकाना जूस पिया होगा या रियल जूस पिया होगा इन सब में, तो जब देखा होगा तो एकदम बॉटल में रख दो एकदम क्लियर दिखते हैं, काफी क्लियर कट दिखते हैं। आजकल तो मान लो उसमें फाइबर डाल दिया जाता है, तो उसमें कहते हैं कि जो बॉटल जूस होते हैं इतने क्लियर क्यों दिखते हैं, और दुकानदार के पास खरीदने जाओ तो एकदम धुंधला दिखता है उसमें, जैसे लगता है फाइबर दिख रहे हैं रेसे दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब होता है यू मस्ट हैव नोटिस दैट द बॉटल फ्रूट जूसेस बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कंपेयर टू दोज मेड एट होम, दिस इज बिकॉज द बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाई यूज ऑफ पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ेगा, और पेक्टिनेज किस को तोड़ेगा बेटा? मिडिल लैमला को, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट किसमें बना होता है? मिडिल लैमला, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, ये आपका पाया जाता था बेटा किसमें? मिडिल लैमला में। किसमें पाया जाता बच्चों? मिडिल लैमला में, ठीक है ना? हाँ भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ये जो यहां से है ना, कोई ऐसा साल नहीं होगा जिस साल ना पूछा गया, यहां तक ऐसे लिख लो, आप यहां से खींचो बेटा और यहां तक ऐसे खींचो और लिख लो कि एक एक पॉइंट हमें याद है। हाँ भाई आइंस्टाइन साहब यू आर राइट, एनसीईआरटी का तूफानी पेज है, तो अब हम इसमें लाइन में नहीं बोलेंगे, हम आज याद कराने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे याद करते हैं, तो बच्चों आपको पता होगा, देखो पहला देखो कितना आसान, ये भी खुद ही बताता है हम कौन है। जैसे एक है बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज, कहाँ गए भाई? हाँ ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो अलग से लिखो स्ट्रेप्टोकाइनेज, देखो कैसे बता रहा है अपने बारे में। स्ट्रेप्टो यानी यहां से आया होगा, किससे आया भैया? स्ट्रेप्टोकॉकस। स्ट्रेप्टो यानी कहां से आया होगा बेटा? स्ट्रेप्टोकॉकस से आया होगा। काइनेज मतलब होता है गति बढ़ाना, तो किसकी गति बढ़ाता है बेटा? ब्लड की। किसकी गति बढ़ाता है? ब्लड की। अब ब्लड वेसल में कोई क्लॉट हो जाएगा तो उसके गति को रोक देगा, तो उस क्लॉट को क्या करेगा? तोड़ेगा, यानी क्या है भाई? क्लॉट बस्टर है। क्या है भाई? क्लॉट बस्टर है। तो अब याद नहीं करना है, स्ट्रेप्टोकाइनेज खुद ही बता रहा मैं कौन हूं। स्ट्रेप्टो यानी कहां से निकला बेटा? स्ट्रेप्टोकाकस। काइनेज मतलब गति बढ़ाना, किसकी? ब्लड की, तो किसको तोड़ेगा? क्लॉट को, तो क्या नाम है? क्लॉट बस्टर। मायोकार्डियल इंफॉक्शन इसमें यूज किया जाता है बेटा, हार्ट अटैक वगैरह जो होता है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना? जब हार्ट के वाल की मसल को बेटा आपको क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई ड्यू टू ब्लॉकेज नहीं मिलता है, तो उसमें होता है बेटा आपका मायोकार्डियल इन्फॉक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, तो क्या दिया जाता है भाई? ये स्ट्रेप्टोकाइनेज। याद रहेगा भाई, भूलोगे नहीं ना? चलो अब देखो दूसरा क्या भाई, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए नाम में देखो लिखा है स्पोर, तो कोई स्पोर वाले से आया होगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम में भी क्या है भाई? स्पोर है। क्लियर याद हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और साइक्लोस्पोरिन में भी बेटा स्पोर है,
इसलिए कहेंगे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या निकलता है बेटा, साइक्लोस्पोरिन ए। और ये प्रोवाइड करता है बेटा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बेटा आपका मोनेस्कस परप्यूरियस एक ईस्ट है, यहां से क्या निकला भाई स्टैटिन, ठीक है ना, मोनेस्कस परप्यूरियस से बेटा निकला स्टैटिन, एक ईस्ट है और ये क्या होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। स्टैट को भाई स्टैटिन मतलब होता है रुक जाना, ठीक है ना, तो क्या कर देगा रोक देगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। होप आपको याद हो गया होगा भाई। अब चलो एक बार आपको याद करा देते हैं, जरा देखो कैसे याद करोगे, पहले कैसे याद करोगे भाई, तो सबसे पहले आया बेटा आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज, नाम ही बता रहा है स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टोकॉकस से निकला होगा। काइनेज गति बढ़ाता है, तो किसकी गति बढ़ाएगा भाई ब्लड की, कैसे बढ़ाएगा क्लॉट बस्टर, इतना याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है बेटा आपका साइक्लोस्पोरिन ए, तो उस चीज से आया होगा जिसमें स्पोर लगा होगा, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से आता है, और क्या होता है भाई इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज किया जाता है। एक ईस्ट है जिसका नाम बेटा मोनेस्कस परप्यूरियस, ठीक है ना, और ये क्या करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है स्टैटिंस, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ खुसरो, अमीर खुसरो की तरह भाई बिहार से हम भी रिलेटेड है ना, इसलिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब जरा देखो भाई माइक्रोसिन सीवेज ट्रीटमेंट, इसमें बेटा आपको क्या याद करना होगा, इसमें बेटा पहले प्राइमरी दो ट्रीटमेंट होते हैं, ऐसे तीन लेवल पर होगा लेकिन मुख्य हमेशा दो लेवल होना ही चाहिए, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी बेटा फिजिकल होता है और सेकेंडरी होता है बेटा आपका बायोलॉजिकल। प्राइमरी कैसे करते होंगे, पहले जो कूड़ा करकट उसमें नालियां जो भरे सीवेज आपका लाइन भरे उसमें जो कूड़ा करकट है, जो फ्लोटिंग डेबरीज हैं कचरे हैं, उसको एक ऐसे स्क्रीन लगाई जाती है, जालियां लगाई जाती हैं, उससे क्या होता है वो ट्रैप हो जाता है, रुक जाता है, इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं भाई, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। अब भाई जो बड़े बड़े चीजें थी वो उस जाली में फंस जाएंगी, लेकिन अभी पानी में भी धूमिल चीजें बढ़ी होंगी, तो उसको एक टैंक में बैठाने के लिए धीरे 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 तले पे कचड़ा जो होगा बैठ जाएगा। आप लोग देखोगे जैसे गिलास में पानी है, अगर वो क्या हो धूमिल हो तो उसको थोड़ी देर छोड़ दो तो धीरे 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 जो मिट्टी होगी नीचे बैठ जाएगी, तो क्या हो रही सेडिमेंट हो रही है, जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस, क्या बोलते हैं भाई सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। अब जरा देखो भाई ये जरा देख लो आपका माही एमएसडी भाई लोग बुक रीड कर लो, जाके बेटा रीड कर लो ना। ये अभी आधे घंटे की सेशन में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, और तुमको और क्या चाहिए, कितने स्पीड में पढ़ लोगे बेटा, जरा देख लो बेटा ये डायग्राम से देखने की कोशिश करो। पहले क्या करेंगे बेटा प्राइमरी फिल्ट्रेशन सिक्वेंशियल, उसके बाद बेटा प्राइमरी सेटलिंग टैंक, क्लियर। जब सेटल कराओगे तो नीचे कुछ ना कुछ स्लज, जिसको बोलते हैं बेटा कचरा, यहां पे बैठ जाएगा। तो पहली बार कचरा बैठा है तो इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी स्लज, क्या बोलोगे भाई प्राइमरी स्लज। ऊपर पानी रहेगा इसको बोलते हैं प्रवाह, तो पहली बार का प्रवाह है तो क्या बोलोगे प्राइमरी इफ्लुएंट। अब इसको भेज देते बेटा एक टैंक में जिसका नाम होता है एरेशन टैंक। अभी भी इसमें इस पानी में साफ नहीं है, देखने में साफ लगेगा लेकिन अभी भी इसमें बेटा क्या है ऑर्गेनिक मैटर है। इसको तोड़ने के लिए क्या यूज करोगे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे होंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया होंगे बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे, और आपको पता होगा जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा तोड़ेगा, और तोड़ने के लिए मांगता है ऑक्सीजन, और इसको बोलते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। प्रॉपर यहां पे बेटा एक पंप लगाया जाता है जिससे हवा एरेशन होता रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई डायरेक्ट होती रहे। बैक्टीरिया क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब इसका बीओडी काफी कम हो जाएगा। जब बीओडी कम हो जाएगा तो इसको एक दूसरे बैठने वाले टैंक में भेज दिया जाएगा, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। जब इस टैंक में भी बैठ भाई थोड़ी देर में यहाँ पे देखो नीचे धूमिल मिट्टी बैठ गई है, पीला कलर का दिख रहा है, ऊपर देखो साफ नीला कलर का पानी है। इसको आप धीरे भेज दो, चाहे तो नदियों में भेज दो, चाहे तो क्लोरीन टैंक में भेज दो जहां पे क्लोरीनेशन कर लो। फिर उसके बाद इसमें और भी चीजें करके खुद के यूज कर सकते हो या रिवर में डायरेक्ट प्रवाह कर सकते हो। तो भाई दो मेथड हुआ, एक हुआ सेकेंडरी और एक हुआ प्राइमरी। अब जरा देखो यहां पे जरा ये बस ये देख लो, सेकेंडरी में जो कचड़ा बना था इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्लज। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्लज। अब जब देखो सेकेंडरी स्लज का दो आउटलेट दिखाया गया, एक तो इसमें दोबारा भेज दिया जाता है। भाई इसमें आपको पता ना एरोबिक बैक्टीरिया बार बार जरूरत पड़ेगी, तो क्या करते हैं ना, जैसे याद करो एक बार आपने दूध से दही बना लिया तो दही थोड़ा सा निकाल के रख लेते हैं, फिर दोबारा जब भी आपको दही बनाना होता है उस दूध में वो थोड़ा सा जो उसको जांगड़ बोलते हैं, गांवड़े इनाकुलम बोला जाता है यहाँ पे, इसका इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा स्लज को यहाँ पे फेंक देंगे, वो क्या करेगा फिर दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर देगा, बार बार आपको बैक्टीरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बैक्टीरिया यहाँ पे भाई एक चीज बनाता है जिसका नाम होता फ्लॉक्स। व्हाट इज फ्लॉक्स भाई, फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स क्या है भाई, फ्लॉक्स फ्लॉक्स क्या है। हाँ भाई एजा इनोकुलम हो गया, फ्लॉक्स क्या है भाई बच्चों, व्हाट इज फ्लॉक्स, यस मॉसेस ऑफ बैक्टीरिया, मॉसेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद, यस आस्था यू आर राइट, मॉसेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स, दैट इज फ्लॉक्स। ठीक है ना, बैक्टीरिया का मास किससे जुड़ा होगा भाई, फंगल फिलामेंट से। तो कुछ भी नहीं है एसटीपी में, पहला फिजिकल है दूसरा बायोलॉजिकल है। पहले में क्या करेंगे, पहले उसको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर तली में बैठाने के लिए कचरा बैठा देंगे। पहली बार जो कचरा बैठा उसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज, पहली बार जो पानी ऊपर बह रहा था उसको बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। अभी भी इसमें ऑर्गेनिक मैटर को भेज देंगे भाई एरेशन टैंक में, दूसरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एरेशन टैंक में कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, क्या तोड़ेगा ऑर्गेनिक मैटर, क्या मांगेगा ऑक्सीजन देने के लिए पंप, इसलिए नाम रखा गया एरेशन टैंक। कब तक काम होगा, जब तक बीओडी कम नहीं हो जाएगा। जब बीओडी कम हो जाएगा कहां भेजेंगे, दूसरे जगह बैठाने के लिए। दूसरी बार जो बैठा कचड़ा दैट इज सेकेंडरी स्लज, और ऊपर का पानी इफ्लुएंट सेकेंडरी इफ्लुएंट, उसको भेज दोगे बेटा, पीना है तो क्लोरीन ट्रीटमेंट वगैरह कर लो, नदियों में प्रवाह कर दो। इसके बाद भाई ये जो सेकेंडरी स्लज है इसमें भी तो इसका जो आया होगा पार्ट कौन सा आया होगा, बैक्टीरिया आए होंगे, फ्लॉक्स आया होगा, तो इसका थोड़ा सा पार्ट यूज किया जाता है इसमें एरेशन टैंक में एज अ इनाकुलम, क्योंकि जब बाहर से दूसरा पानी आएगा तो उसमें एरोबिक बैक्टीरिया क्यों दोगे, यहीं से सप्लाई कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो ज्यादा सा कचरा है और ये प्राइमरी कचरा है उसको बेटा एक टैंक में भेज दिया जाता है, दैट इज स्लज डाइजेस्टर टैंक। क्या बोला जाता भाई, स्लज डाइजेस्टर टैंक। और जो स्लज डाइजेस्टर टैंक होगा उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं बेटा, एनरोबिक। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अब जरा देखिए यहां जो सेकेंडरी स्लज था वो बेटा यहां पे दोबारा बीओडी वाला रिड्यूस करने का एक्टिवेशन का काम करता है, इसलिए हम लोग इसका नाम रखते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या नाम रखते हैं भाई, एक्टिवेटेड स्लज। ये भी याद होना चाहिए, सेकेंडरी स्लज जो बेटा इनोकुलम की तरह यूज कर रहे हैं तो एक्टिवेट कर रहा है उस प्रोसेस को दोबारा, बीओडी कम करने का, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के प्रोसेस को दोबारा इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। बस इससे ज्यादा मत याद करिए, ग्राफ से याद कर लीजिएगा। प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी बेटा बायोलॉजिकल, यही पूछा गया था नीट 2011 में।
नीट 2011 में पूछा गया, तो बेटा 2017 में एक आया था कि सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन एक किसका मेथड है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का मेथड है, उसमें जो कचड़ बनेगा प्राइमरी सर्च। कौन सा बायोलॉजिकल होता है, तो कौन सा होता है भाई, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या आएगा, एक आएगा एरेशन टैंक, जहां पे एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करेगा। फिर उसको बैठाने वाला टैंक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। बस पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा, यहां पे मिलेगा बीओडी कम करना है, बीओडी आपको इकोलॉजी पढ़ा दिया था। जो बेटा आपका वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स वाला जो सेडिमेंट था, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेडिमेंटेड एक्टिवेटेड स्लज। ये बेटा आपका नीट 2020 का यही क्वेश्चन है, नीट 2020 का यही क्वेश्चन था। वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। यही दोबारा इनोकुलम की तरह यूज करते हो, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा, एक्टिवेटेड स्लज, नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। अब बेटा एक्टिवेटेड स्लज, प्राइमरी स्लज सबको कहां भेज दिया जाता है, स्लज डाइजेस्टर टैंक में, वहां पे कौन सा बैक्टीरिया होता है भाई, एनरोबिक, इसलिए पूरा नाम रखा जाएगा एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक। प्राइमरी फिजिकल, सेकेंडरी बायोलॉजिकल। जब भैया ये डाइजेशन करेगा बैक्टीरिया, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस निकलेंगे, ये भी आ चुका है 2014 और 2011 में। कौन कौन से गैस होंगे बेटा, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा यही उठा के ऑप्शन बनाया गया था, तो याद होना चाहिए भाई कौन कौन सा गैस होगा, मीथेन, हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, पूरा अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे बगल में लिख लो CH4 H2S एंड CO2, बाकी आपको केमिस्ट्री में याद होगा कौन से प्रोड्यूसर गैस होते हैं, कौन से गोबर गैस हैं, सारे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। बेटा ये दो प्लान बनाए गए थे, एक था गैप एंड एप। क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है, तो भाई किसने स्टार्ट किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। सीबीएसई और नीट में तो नहीं आया, लेकिन और जब एग्जाम होते थे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, गैप और ऐप को कौन निकाला था, तो बेटा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, टू सेव दीज मेजर रिवर्स। और पूछा गया था ये जो यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान था, इसका मेन काम क्या था, तो टू बिल्ड STPs, जो मेजर सिटीज थी वहां पे क्या बिल्ड करना भाई, STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो भाई बायोगैस वाला तो आपको याद करना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा यहां पे कौन कौन से गैस होंगे, मीथेन, CO2 एंड हाइड्रोजन। तो जरा बताइए बायोगैस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा गैस पाया जाएगा, मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन में, बताओ बच्चों, मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा गैस पाया जाएगा, यस वेरी गुड बच्चों, मीथेन, उसके बाद CO2 होगा, 60% के आसपास बेटा आपका मीथेन पाया जाता है। हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है मीथेन, भाई मीथेन है तो भाई ये कौन से होंगे, काउडंग में कौन से बैक्टीरिया पाए जाएंगे, आर्की बैक्टीरिया का कौन सा ग्रुप बेटा आपका, मिथेनोजेंस, कौन से भाई, मिथेनोजेंस। ये कुछ कैटल में पाया जाता है, गट ऑफ कैटल, जो बताओ बेटा रूमेन, ये भी याद होनी चाहिए, रूमेन ऑफ दीज, रूमेन में पाया जाएगा कैटल के रूमेन में, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं बेटा रूमिनेंट्स। हाँ भाई पहले ये जो इनका रूमेन कॉमन, ओमैसम, एवोमैसम, जैसे हमारे स्टमक के पार्ट होते हैं ना, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक बॉडी, वैसे ही। किसका ब्रेकडाउन करेंगे भाई ये लोग, सेलुलोज का, एंड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल, जबकि आपको पता है हम लोग सेलुलोज का ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। कैसे बायोगैस प्लांट बनाने में बेटा ये देख लेना, आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, कविक एंड IARI याद करना चाहिए आपको, ये
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको याद होना चाहिए। इफ यू योर स्कूल इज सिचुएटेड इन अ विलेज और नियर अ विलेज, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ देयर आर एनी बायोगैस प्लांट नियर बाई। कई सारे बच्चों के घर में भी होगा। और माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, तो आपको पता बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपका ये है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेंस 2011 में बेटा ये आया था, कुछ पॉइंट दिए गए थे और पूछा गया था कौन ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज है बेटा आपका, बायो कंट्रोल एजेंट से क्या फायदा होगा, आप डायरेक्ट इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड क्यों नहीं यूज कर सकते। तो सबसे पहले समझिए, अगर आपने इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया तो उस एरिया में जो भी इंसेक्ट होंगे सबकी डेथ हो जाएगी, चाहे वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो चाहे हार्मफुल हो। हमें क्या चाहिए था, हार्मफुल वाले को मारना था, बेनिफिशियल वाले को बचाना था, इसलिए एक नया मेथड लाया गया, जैसे बोलते बेटा बायो कंट्रोल एजेंट। ये कैसे होते थे, स्पीसीज स्पेसिफिक होते थे, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा आपके यहाँ पे, द वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली। जब ये लाइन पढ़ते हो तो आदमी को ये लगता है कि भाई ये दोनों के एक साथ है, नहीं जरा देखो, लेडी बर्ड एफिड का है और ड्रैगन फ्लाई बेटा किससे करती, मॉस्किटो से। तो बगल में लिख लो, लेडी बर्ड्स किससे छुटकारा देती भाई, एफिड से, और ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो से। रिस्पेक्टिवली वर्ड मतलब बेटा होता है आपका क्रमशः। तो इस लाइन को पढ़ने में बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है तो दिक्कत हो जाती है। हाँ वेरी गुड आस्था, लेडी बर्ड ऑफिड्स और ड्रैगन फ्लाई बेटा मॉस्किटो, ये आपको याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन जो आया था 2012 में कि जो कैटरपिलर होता है बटरफ्लाई का, उसके लिए कौन होगा बेटा, बैसिलस थ्यूरेंजियंसिस ऑफन कॉल्ड एज बीटी, बटरफ्लाई कैटरपिलर, इसके लिए क्या था भाई आपका, बैसिलस थ्यूरेंजियंसिस से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बेटा आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग अ डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स डिजीज, प्लांट डिजीज के लिए पूछा जाता है, फंगस कौन सा है। कई बार आया बेटा, कब कब आया, 2019-2012 में आया हुआ है। क्या था, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज बेटा क्या होता है, फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम, दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन। तो फंगल होते हैं बेटा, प्लांट को पैथोजन से बताते हैं, जिसका नाम होता है बेटा ट्राइकोडर्मा। तो भाई ट्राइकोडर्मा ध्यान से देखो, बड़ा अच्छा वर्ड हो गया है, दो जगह आया गया। एक बार आया बेटा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्या निकला भाई आपका, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होते हैं। दूसरा भाई क्या है, प्लांट रूट इकोसिस्टम में आता है, प्लांट को पैथोजन से बचाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2019 और 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ भाई याद होना चाहिए आपको। और ये जो आपका बैक्यूलो वायरस है, इसका एक जीनस है एनपीवी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम बचा होगा जहां पे क्वेश्चन नहीं आया होगा आपका। यहां पे जरा देख लो कौन कौन से ईयर पे आया, 2019 2012 और 2010, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये भी, जैसे आपका वो इंपॉर्टेंट था। तो बैक्यूलो वायरसेस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, तो बेटा पहले पूछा किसको अटैक करेगा, तो इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स को करेगा। किस जीनस में आते बेटा ये याद होना चाहिए, एनपीवी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। सत्यम त्रिपाठी अब बच्चा क्या करें, याद तो करना ही पड़ेगा ना, बाकी थोड़ा बहुत जो ऐड कर सकते हो याद कर सकते हो। बैक्यूलो वायरसेस किस में आएगा भाई, एनपीवी जीनस में, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। अब भाई ये क्या होंगे जरा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक को मारेगा बाकी दूसरों को नहीं मारेगा, टारगेट को मारेगा नॉन टारगेट को नहीं मारेगा।
नैरो स्पेक्ट्रम है, सबको नहीं मारेगा, सिर्फ स्पेसिफिक को मारेगा। इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, दे हैव बीन सो टू हैव नो निगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट्स, मैमल, बर्ड, फिश और इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट। ये नुकसान नहीं पहुंचाते किसको, प्लांट को, मैमल्स को, बर्ड को, फिश को, और जो इंसेक्ट को भी नहीं करते हैं जो टारगेट में नहीं है। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, कभी कभी नॉन हटा दिया जाता है, ऑन टारगेट इंसेक्ट लिख दिया जाता है, नो इंपैक्ट, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा लाइन। तो बेटा ये लाइन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल के साथ साथ ये वाली लाइन, नैरो स्पेक्ट्रम स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नॉन टारगेट को कोई इफेक्ट नहीं करता, किसको करेगा, टारगेट को, बस इतना याद हो जाएगा तो आपको याद रहेगा। ये बेटा हम लोग कब करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में, हम लोग जहां पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होता है वहां पे इन सब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई आपने इंसेक्टिसाइड यूज किया तो उस एरिया के जितने इंसेक्ट होंगे सब निपट जाएंगे, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है तो उस एरिया का सत्यानाश कर देंगे हम लोग। तो अब बेटा जरा देख लो इस दो पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, एक बनेगा बेटा लेडी बर्ड, लेडी बर्ड बेटा होगा आपका एफिड्स, ड्रैगन फ्लाई बेटा होगा आपका मॉस्किटो, बटरफ्लाई कैटरपिलर होगा बेटा आपका बैसिलस थुरिंजिएंसिस, प्लांट रूट इकोसिस्टम में पैथोजन से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज फंगस का, इसके बाद बेटा आएगा आपका बैक्लो वायरसेस इंसेक्ट एंड अदर आर्थोपोड्स, किस जीनस में आएंगे बेटा आपका एनपीवी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, कैसे होते हैं भाई, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होंगे, मतलब सबको नहीं मारेंगे, जिसका टारगेट है उसी को निपटाएंगे। क्या ये मैमल, बर्ड, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट होते हैं, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब आते हैं बेटा लास्ट, खत्म होने वाला है, माइक्रोब्स एज अ बायोफर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले बेटा जो आपका ये यहां वाला है, इसको जब भी आप पढ़िए तो आपका बेटा जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है उसको ऐड करके पढ़िए, मैंने कई बार आपको दिखाया होगा। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहली बात है, देखो जगह एक है राइजोबियम, तो राइजोबियम किससे बनाता है बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में बच्चों दो कैटेगरी बनती है, कई बार आपको लिखवाया भी है, आपको दिया भी है, तो दो कैटेगरी में एक होगा बेटा लेग्यूमिनस प्लांट और एक होगा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट में आएगा बेटा राइजोबियम, नॉन में कौन आएगा, फ्रेंकिया, ठीक है ना, प्लांट का नाम होगा बेटा एलोनस, याद होना चाहिए। अब इसके बाद बेटा आपका आएगा फ्री लिविंग कंडीशन, फ्री लिविंग में बेटा आपको याद होना चाहिए एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। आजाद है, नाम ही बता रहा है, एजो एजो आजाद, एजो एजो आजाद, तो आपको याद होना चाहिए भाई, एजो एजो आजाद, फिर से बोलो एजो एजो आजाद, ठीक है ना भाई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ भाई। इसमें देखो याद करना है, मेरा काम यह हो सकता है कि आपको उससे रिलेटेड पॉइंट याद करा दें, ताकि आपको अगर ऑप्शन आए तो आप आंसर कर ले जाओ, लेकिन लर्न तो आपको ही करना पड़ेगा ना भाई। माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या होगा भाई, एसोसिएशन होगा कैसा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स होगा बेटा, मेनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस, किस जीनस में आता भाई, ग्लोमस में, कभी पोमस टोमस ऐसे करके पूछ लिया जाता है, कभी कभी स्पीसीज बता दिया जाता है, याद होना चाहिए। फॉर्म माइकोराइजा द फंगल सिम्बायोट क्या करेगा भाई, एब्जॉर्ब करेगा फास्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट, यानी उसका काम होगा बड़े बड़े उसके क्या होंगे बेटा, हाइफी होंगे, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा, प्लांट को। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो अदर बेनिफिट आल्सो सच एज रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन, ये आपको याद होना चाहिए, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट एंड एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो माइकोराइजा एसोसिएशन से प्लांट को सिर्फ मिनरल्स ही नहीं मिल रहे हैं, और भी फायदा है, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाएगा भाई, सैलिनिटी रेजिस्टेंट हो जाएगा और पैथोजन से भी बचाएगा। कैन यू टेल व्हाट द एडवांटेज फंगस डेराइव फ्रॉम दिस एसोसिएशन, चलो आप बताओ, बता दो भाई, बता दो, खत्म होने वाला चैप्टर, बताओ कौन सा ऐसा फायदा मिलता है भाई फंजाई को, कि सिम्बायोटिक बोला गया, सिम्बायोटिक मतलब दोनों को फायदा होना चाहिए भाई, प्लस प्लस।
फंजाई को क्या फायदा है बच्चों? हाँ, एजो एजो आजाद, फंजाई को क्या फायदा है? हाँ, फूड एंड शेल्टर। खाना पीना देगा भाई, खाना मिलेगा उसको। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट एंड मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तीनों याद कर लेना, एना विना नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। पैडी फील्ड वाला बहुत बार पूछा गया, हमने भी बहुत बार आपसे घुमा फिरा के पूछा है, वीट फील्ड कर करके याद होगा आपको। तो 2012 में क्वेश्चन आ चुका है कि पैडी फील्ड में बेटा कौन सा यूज किया जाता है? एना विना एलॉन्ग विद एजोला, एना बिना एलॉन्ग विद एजोला यूज इन पैडी फील्ड। ठीक है ना, याद रहेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉयल एंड इंक्रीजेज इस फर्टिलिटी। तो एक पॉइंट हमेशा हम पूछते रहते थे आप लोगों से कि ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। करंटली इन आर कंट्री अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कमर्शली इन द मार्केट एंड फार्मर्स यूज दीज रेगुलरली इन दिस। तो बच्चों ये चैप्टर आपका लर्न करना है, मैं 2 मिनट में आपको पूरा चैप्टर सुना देता हूँ, चलो सुन लो। सबसे पहले बेटा बात किया कि माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं। इसके बाद बेटा आपका एक डायग्राम में देख लेना, एडेनोवायरस का डायग्राम बना होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बच्चों, और कैसा होता है बेटा? नॉन इन्वॉल्व्ड होता है, बिना इन्वॉल्व का होता है, रेस्पायरेटरी डिजीज कॉज करता है। इसके बाद बेटा आते हैं हम लोग, सबसे पहले आता है आपका लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को बदल देता है बेटा कर्ड में, मिल्क में एक प्रोटीन पाया जाती है बच्चों कसीन, इसका पार्शियल डाइजेशन कर देता है। साथ ही साथ बच्चों आपका ये क्या करता है, विटामिन B12 की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देता है, और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उसको भी, उसकी ग्रोथ को भी चेक करता है। ये तीन काम था बेटा आपका लैब का। इसके बाद भाई आता है आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट है बेटा, ये फर्मेंटेशन करता है, पायरिक एसिड को बदल देता है इथाइल अल्कोहल में, साथ ही साथ निकलता है CO2। तो इसको यूज किया जाता है बेकरी प्रोडक्ट में, नाम है बेटा इसका बेकर्स ईस्ट। कैसे हैं? बेकरी में जो आप लोगों ने आटा गूंथ के रख देते हैं उसमें धीरे धीरे फर्मेंटेशन होता है, CO2 गैस भी बनती है, जैसे ही गर्म किया जाता है तो आप में उसमें गैस बाहर निकलती है, तो गैस जब बाहर निकलती है तो स्पेस छोड़ देती है, तो ब्रेड वगैरह देखिए पफिनेस होता है उसमें स्पेस दिखते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद बेटा इसमें एल्कोहल बनता है, इसलिए इसका नाम होता है ब्रिवर्स ईस्ट, एल्कोहलिक बीवरेजेस में यूज किया जाता है। इसके बाद बेटा एक आता है स्विस चीज में लार्ज होल होता है ड्यू टू CO2 गैस होता है भाई, नाम है बैक्टीरिया का प्रोपियानी बैक्टीरियम सरमनाई। इसके बाद भाई आपका एक रॉकफोर्ट चीज पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, अलग अलग प्रकार के चीज होते हैं ड्यू टू डिफरेंट टेक्सचर फ्लेवर एंड टेस्ट। इसके बाद बच्चों आपका आता है एल्कोहलिक बिवरेजेस में दो तरह के, एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन और एक होता है विद डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन में बेटा आपका आता है वाइन एंड बियर, विद डिस्टिलेशन में आता है विस्की ब्रांडी एंड रम। एल्कोहल कंसेंट्रेशन आपको पता होगा ईस्ट पॉइजन टू डेम सेल, जब उनका कंसेंट्रेशन पड़ता था 13%, विद डिस्टिलेशन वाले इसमें परसेंटेज बढ़ जाता है, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। इसके बाद भाई ऑर्गेनिक एसिड वाला आपको याद होना चाहिए, ऑर्गेनिक एसिड में सबसे पहले याद होना चाहिए एस्परजिलस नाइगर, फंजाई है, क्या निकलेगा? सिट्रिक एसिड, बाकी सारे बैक्टीरिया हैं, नाम से ही बता देंगे क्या बना रहे हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस से बनेगा लैक्टिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाइल से बनेगा भाई एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम से बनेगा ब्यूटायरिक एसिड। इसके बाद आते हैं डिटर्जेंट में क्या यूज करते हैं, तो लाइपेजेस यूज करते हैं, बॉटल्ड जूस में यूज करते हैं पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। इसके बाद बेटा आपका आता है एक स्ट्रेप्टोकाइनेज, काइनेज है मतलब एज है तो एंजाइम होगा, स्ट्रेप्टो है तो स्ट्रेप्टोकाकस से आया होगा, काइनेज होगा तो ब्लड की गति बढ़ा रहा होगा, तो ब्लड में जो क्लॉट होगा उसको बस्ट करेगा, इसलिए नाम होता है इसका क्लॉट बस्टर। नेक्स्ट है बेटा आपका साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन में स्पोर है तो जहां से निकला होगा वहां पे भी होगा स्पोर, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है।
एक ईस्ट है जिसका नाम है मनस्कस परप्यूरियस, यहां से निकलता है बेटा एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट जिसका नाम होता है बच्चों स्टैटिन। इसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं, यहां तक याद हो गया, गुड इवनिंग अंशु। अब आते हैं बेटा आपका एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दो मेन फेज होते हैं, एक होता प्राइमरी और एक होता सेकेंडरी। प्राइमरी होता फिजिकल, सेकेंडरी होता बायोलॉजिकल। प्राइमरी में दो प्रोसेस, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन। प्राइमरी सेडिमेंटेशन नीचे का कचड़ा प्राइमरी स्लज, ऊपर का पानी बह रहा है जो प्राइमरी इफ्लुएंट। ऊपर के पानी को कहाँ भेज देते हैं, एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन होता है, तोड़दम होता है, तोड़ने के लिए बैक्टीरिया आते हैं जिसका नाम होता है एरोबिक बैक्टीरिया। एरेशन टैंक है तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी। जब बीओडी कम हो जाएगा तो भेज दिया जाएगा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में बेटा जो कचड़ा बनेगा उसमें एरोबिक बैक्टीरिया है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्स होता है। बैक्टीरिया का मास फंगल फिलामेंट से एसोसिएटेड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग थोड़ा सा अमाउंट फिर से दोबारा एरेशन टैंक में भेज देते हैं एज अ इनोकुलम। प्राइमरी स्लज और आपका जो सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज है दोनों को एक टैंक में भेजते हैं जिसका नाम होता है स्लज डाइजेस्टन टैंक। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं एनरोबिक होते हैं, खास करके मिथेनोजेंस होंगे, और ये क्या बनाएंगे भाई, गैस निकालेंगे मीथेन CO2 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये याद होना चाहिए, और H2S भी। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग आगे बढ़े तो इसमें आता है बेटा आपका माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट में बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा लेडी बर्ड बीटल किससे निकालेगा भाई, आपका एफिड्स, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो, बटरफ्लर जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर है उससे बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस। प्लांट रूट इकोसिस्टम सॉइल से बचाने वाला फंजाई आता है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, सेलेनिटी वगैरह से भी बचाएगा, रूट बार्न पैथोजन से बचाएगा। इसके बाद बैक्लोवायरसेस आते हैं, क्या करते हैं, इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड को नुकसान पहुंचा टारगेट रहता है उनका, उनको खत्म कर देते हैं। किस जीनस में आते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस में। स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं और जो नॉन टारगेट इंसेक्ट, बर्ड, मैमल, फिश, इन सबको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बायो फर्टिलाइजर में तीन ग्रुप याद कर लीजिएगा, एक आपका बैक्टीरिया में सिम्बायोटिक आएगा, आपका राइजोबियम हो गया लेग्यूमिनस प्लांट में। उसके बाद नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में आ गया फ्रेंकिया अल्नस, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा प्लांट का। और आजाद कौन होते हैं, जो फ्री होते हैं, इसका मतलब एजोटोबैक्टर आपका एजो स्पाइरिलम याद कर लीजिएगा। माइकोराइजा में फंजाई विद प्लांट, और इसमें भाई याद कर लेना जीनस ग्लोमस। और जो फंजाई होता है बड़े बड़े हाइफी होते हैं तो क्या ऑब्जर्व करता है, फास्फोरस को, फास्फेट को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट क्या प्रोवाइड करता है, फूड एंड शेल्टर। पाइनस आपने देखा होगा एग्जाम्पल, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजल एसोसिएशन, नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। साइनोबैक्टीरियम तीन ग्रुप याद कर लेना, एनाबीना, नास्टाकैन, ऑसिलेटोरिया। काम क्या है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पैडी फील्ड में एनाबीना एलॉन्ग विद टेडोफाइट जिसका नाम फर्न है, वाटर फर्न, एजोला यूज किया जाता है इन पैडी फील्ड। साथ साथ ये बेटा फर्टिलिटी बढ़ाने के साथ साथ सॉयल में ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करते हैं। ये पूरा चैप्टर आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं भाई PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट, नीट 2020 का क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी चलो भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर डालो। अभी भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
फॉन्ट छोटा है, फॉन्ट कहां से बड़े। चलो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। नीट 2020 का क्वेश्चन है। यस, एक्टिवेटेड स्लज इज द आंसर। ठीक है भाई, एनोरोबिक स्लज डाइजेशन में क्या डालेगा भाई? एक्टिवेटेड स्लज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2020 का है, ये तो दिख रहा होगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो फिर से आ गया वही आपका, मैचिंग बड़ा आता है इससे भाई। चलिए जवाब दीजिए, मैचिंग बहुत आता है। बच्चों जवाब दो। तो भाई डी दिया कई लोगों ने। दानी समेत क्या पूछे जा रहे हो भाई? सर ग्लोमस किसका जीनस है? फंजाई का भाई है, अरबस्कुलर फंजाई पाए जाते हैं उसमें। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम वन, कॉलम टू, क्लास्ट्रिडियम ब्यूटालिकम। बेटा ब्यूटारिक एसिड, देखो आपका ऑप्शन मिल गया। जरा देखो नीट 2020 में ऑप्शन कैसे आ गए थे। जो लास्ट ऑप्शन है 1:2, लास्ट ऑप्शन जो बच्चा है इसमें 1:2 है, ये दिख रहा लास्ट 1:2 है। ठीक है ना भाई? और पहला ही एक ऐसा ऑप्शन जो डी वाला है उसमें पहला 2 है, बाकी आपके देख लो इन तीनों ऑप्शन में 2 नहीं है, A1, A4, A3, A2। यानी पहली मैचिंग आंसर मिल गया आपका 4 नंबर 6 फ्लोर, क्लास्ट्रिडियम ब्यूटालिकम ब्यूटारिक एसिड। इतना तो याद होता है, बाकी कोई याद हो चाहे ना याद हो तो सिंपल। देखो फ्री फंड का नंबर मिला। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम में देखो स्पोर है, तो साइक्लोस्पोरिन में भी देखो स्पोर है। आपके पास ऑप्शन रहेगा, मैच कर ले जाओगे। मोनेस्कस परफ्यूरियस स्टैटिन निकलेगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड। ठीक है ना भाई? हाँ, चौथा ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। H2B is 1, C is 4 एंड D is 3। ये आपका आंसर हो गया बेटा 4। आपको जब 3 देख लिया था, ए से मैच नहीं कर रहा था, तो तुरंत आपको बोलना चाहिए था सर चौथा होगा, जो दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2019 का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। अभी आपने जितने भी बायो कंट्रोल एजेंट पूछे हैं, पढ़े हैं, उसमें से कौन इसमें आएगा? पहले ऑप्शन में बेटा नॉस्टाक, एजोस्पाइरिलम, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। दूसरा है बीटी यानी बैसिलस थुरिंजियेंसिस, टोबैको मोजेक वायरस, एफिड्स। तीसरा है ट्राइकोडर्मा बैक्लोवायरस, बैसिलस थुरिंजियेंसिस। फोर्थ बेटा आपका ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम एंड ट्राइकोडर्मा। चलिए जवाब दीजिए। क्या बात है भाई, क्या बात है, ये होता है, फोड़ दोगे आप लोग। 2019 का क्वेश्चन है। ट्राइकोडर्मा फंजाई है बच्चा, और क्या करेगा आपके प्लांट को बचाएगा किससे? प्लांट रूट बॉर्न पैथोजन से। बैक्लोवायरसेस इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड को करेंगे, किस जीनस में आते बेटा? एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस में। बैसिलस थुरिंजियेंसिस किसको मारता है बेटा? बटरफ्लाई के कैटरपिलर स्टेज। ठीक है ना, बटरफ्लाई के कैटरपिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। 2019 देखो फिर वही घिसा पिटा क्वेश्चन। लाइपेज, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है भाई रुक जाओ, आई थिंक बैकग्राउंड से बच्चों को दिक्कत।
ठीक है। अब दिख रहा है बच्चों, अभी विजुअल है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका स्टैटिन। आंसर हो जाएगा आपका स्टैटिन। साइक्लोस्पोरिन है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। अच्छा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट लोवर करना स्टैटिन। नाम क्या बेटा आपका? ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस। नेक्स्ट बेटा मैचिंग का क्वेश्चन है। मै द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए भाई आपके डिमांड पे व्हाइट कलर हो गया। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। चलिए मैच करिए। ठीक है, आप जैसा कहें भाई। व्हाइट बोल दिया, व्हाइट कर दिया। अब दिख रहा है ना, अब तो सही है। चलो मैच करते हैं। देखो जरा ये आपको पूरा अच्छे से दिख रहा होगा, तो देखो कितना अच्छा है। लैक्टोबैसिलस आपका क्या निकलेगा भाई? क्या यूज कराएगा? लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा? कर्ड। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी आपका क्या बनाएगा भाई? ब्रेड, बेकर सिस्ट। एस्परजिलस नाइगर क्या बनाएगा भाई? सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड। चलो मैच कर लो, वन से कोई मैचिंग नहीं, जिसमें वन है हटा दो। पहला हट गया और आपका आंसर हो गया बेटा CH5। ये भी नहीं रहा, CH3। ये हो गया आपका आंसर थर्ड, यस सी। ठीक है भाई, ठीक है। 2019 में बेटा चार क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज? लैक्टोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा, क्लोरेला, एनाबिना। लैक्टोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा, क्लोरेला, एनाबिना। बहुत तेजी से जवाब दीजिए भाई। यस, ट्राइकोडर्मा, आज ही आपको बताया था। तो बेटा एक बार इस चैप्टर को देख लेना, तीन क्वेश्चन आपके, दो से तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो मिनिमम है ही है। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स नीट 2019 में। ये आपका अभी हो चुका था बेटा, आपका क्या था? ट्राइकोडर्मा बैक्लोवायरसेस एंड बैसिलस थ्यूरिनजियेंसिस, ये आपको बता दिया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2018। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन सी। यस, विटामिन B12। नेट नहीं आ रहेगा। विटामिन B12 होता है बेटा, साइनोकोबलामिन बोलते हैं इसको। जरा बताइए डाइजेशन में कौन सा ऐसा सेल पड़ा है बेटा जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12? गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सी सेल था जो हेल्प करता था एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12? कौन था भाई? क्या बात आद्या, वेरी गुड बेटा। नेट नहीं आ रहा है। पेराइटल एंड ऑक्सेंट्रिक सेल, पेराइटल एंड ऑक्सेंट्रिक सेल HCL निकलता था। CIF कैसल इंट्रिंजिक फैक्टर हेल्प इन विटामिन B12। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। सेलेक्ट द मिसमैच, रोडो स्पाइरिलम माइकोराइजा, एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सर,
राइजोबियम अल्फा अल्फा, फ्रेंकिया अल्नस। तो बच्चे देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए था आपको, इसमें नहीं चल रहा। तो बच्चों आपको पता होगा रोडो स्पाइरुलम नहीं होगा, माइकोराइजा नहीं है। बाकी आपको तीन पता ना रहे लेकिन ये तो पता ही था आपका, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, स्लज ट्रीटमेंट, टर्चरी ट्रीटमेंट। वायर होगा ना इसका, ये करो। ठीक है भाई, किसमें होगा? प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन देन सेडिमेंटेशन। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम, नीट 2017। तो बच्चों दो से तीन क्वेश्चन आता है, लगता है बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन है आसान, क्वेश्चन आपके निकल आएंगे। चलिए जवाब दीजिए, बहुत तेजी से करते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड, पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इथेनॉल, एसिटोबैक्टर एसिटाई एंटीबायोटिक्स। तो बेटा देखो सिर्फ यही एक है जो मैचिंग है, बाकी सब गलत है। और जो मैचिंग कराया वो सबको याद रहता है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से क्या निकलता है भाई आपका, एल्कोहल इथेनॉल C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नीट 2016 में, फिर देखो मैचिंग का, मैंने बोला मैचिंग का क्वेश्चन इससे जरूर बना लेता है। कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करना है, सिट्रिक एसिड, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, ब्यूटायरिक एसिड, ट्राइकोडर्मा, क्लॉस्ट्रिडियम, एस्परजिलस, मोनेस्कस। चलिए मैच करिए। यस चलो मैच करते हैं भाई, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्टेडिन, मोनस्कस परफ्यूरियस, ब्यूटार्के, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटानिकम। तो ए इज थर्ड और बी है बेटा आपका वन और सी है बेटा आपका फोर, तो आंसर हो जाएगा बी। नहीं धर्म प्रकाश बच्चा डी नहीं होगा भाई, बी होगा, डी नहीं होगा बच्चा, बी होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नीट फेज वन 2016 में आया हुआ है, माइक्रोब है, उसका प्रोडक्ट है और उसका एप्लीकेशन है। चलिए जवाब दीजिए, स्ट्रेप्टोकाकस प्रोडक्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल। रॉन्गली पूछा है, रॉन्ग पूछा है तो करेक्ट है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम लाइपेज। चलो भैया यहीं पर गलत हो गया, आंसर मिल गया आपको, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग होता है, मोनास्कस परफ्यूरियस से बेटा स्टेटिन, लोवरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से घिसा पिटा हर बार क्वेश्चन आ रहा है। फिर देखो भाई मैचिंग 2015 कॉलम वन विद कॉलम टू, चलिए जवाब दीजिए। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इसके बाद भाई ट्राइकोडर्मा पॉलीस मोनेस्कस परप्यूरियस, स्टैटिन निकलेगा प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, प्रोपियानी बैक्टीरियम सार्वनाई, रैपनिंग ऑफ सिस्विस, CO2 गैस। चलिए मैच हो गया आपका, आंसर देखते हैं, ए इज थर्ड बी इज फोर, तो ए थर्ड बी फोर यही आपका सी आंसर हो गया बच्चों। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंशु, रितु, आस्था, सबा, अनुश्री, अवनीश, सीमा, रवि कुमार, मोहम्मद, सिद्दीक, राहुल, बहुत अच्छा बच्चा, वेल प्रिपेयर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर मिल गया आपको, द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलोज पोसेस। क्या मिलेगा? 2015 कैंसिल में हुआ था बेटा, मिथेनोजन साइनोबैक्टीरिया, फ्यूकस स्पीसीज, क्लोरेला स्पीसीज।
ठीक है वाई एन गोस्वामी, ये यूनिट खत्म होने के बाद हम उसी को करा देंगे। यस सिंपल सा भाई, कौन होगा? मिथेनोजेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेंस हैलोसिनोजेन? 2014 में था बेटा, मार्चोला एस्कुलेंटा, एमेंसिया मस्केरिया, न्यूरोस्पोरा, अस्टिलागो। आज इसको बेटा तुरंत बता भी दिया था, चलिए बताइए आप लोग। यस एमेंसिया मस्केरिया, क्या हो जाएगा भाई? एमेंसिया मस्केरिया। ठीक है, हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपने पढ़ा होगा हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। एन एल्गा विच कैन बी इम्प्लॉयड एज अ फूड फॉर ह्यूमन बींग इज? यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पायरोगैरा, पॉलीसाइफेनिया। वेलकम राहुल। ठीक है बच्चों, सिंपल सा भाई, क्लोरेला 2020 में आया था, क्लोरेला एंड स्पायरुलिना, याद होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस इन एनोरोबिक स्लज डाइजेशन? डाइजेस्टर में क्या होगा? मीथेन एंड सीओ टू ओनली, आज ही आया था क्वेश्चन। मीथेन H2S एंड सीओ टू, मीथेन H2S एंड O2, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सीओ टू। तो आपको पता बेटा मीथेन H2S एंड CO2, ये तीनों बेटा पाए जाते हैं, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइनिंग है। अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड नीट 2013 में है, क्लॉस्ट्रिडियम, सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस, स्यूडोमोनास। क्लॉस्ट्रिडियम, सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस, स्यूडोमोनास। तो बच्चे इसमें बताने की जरूरत नहीं थी, क्या थी? एस्परजिलस नाइगर। कई बार आ चुका है भाई, बहुत बार आ चुका है आपका एस्परजिलस नाइगर, यही पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी सब नाम से ही होते हैं। माइक्रोब्स यूज फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट, बटरफ्लाई कैटरपिलर, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, बैसिलस थुरिंजियंसिस, स्ट्रेप्टोकाकस स्पीसीज, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, कर्नाटका नीट 2013 में। तो बच्चा कौन सा था? बैसिलस थुरिंजियंसिस। तो तीन है बेटा, आपको याद होना चाहिए, हर बार बता दिया, एक बार और बता देते हैं, लेडी बर्ड, इसके बाद भाई ड्रैगन फ्लाई, बाकी आपका ये बैसिलस थुरिंजियंसिस, तीनों याद होने चाहिए। लेडीबर्ड एफिड, ड्रैगनफ्लाई मॉस्किटो और बैसिलस थुरिंजियंसिस बेटा आपका होता है बटरफ्लाई कैटरपिलर। मोनास्कस परप्यूरियस इज अ यीस्ट यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ 2012 का क्वेश्चन है बच्चों, इथेनॉल, स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, सिट्रिक एसिड, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। बताओ बहादुर बच्चों। यस डी, ठीक है ना भाई, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता, क्या नाम होता है बेटा इसका? स्टैटिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट बॉट टू हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इंफॉक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवेन पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन, स्टेटिंस, क्या दिया जाएगा भाई? तो बच्चों आपको पता होगा क्या दिया जाएगा, काइनेज गति बढ़ाना, स्ट्रेप्टोकाइनेज, कहां से निकला होगा भाई? स्ट्रेप्टोकॉकस, कहां से निकला होगा? स्ट्रेप्टोकाकस, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये तीन जगह आया है। एक तो बेटा आपका न्यूमोनिया कॉज करता है, ठीक है, एक तो बच्चों यहां पे है, क्या निकलता है इससे? स्ट्रेप्टोकाइनेज। मैंने तीन जगह लिखा है तो ऐसा क्या हो गया? हो गया भाई, तीन जगह है तो कुछ और तो होगा, कुछ ना कुछ, बताओ जरा। एक और कहां पे देखा है? स्ट्रेप्टोकॉकस, क्या बात है, वेरी गुड, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वहां पे। तो तीन जगह बेटा आपका है, कौन सा आपका? स्ट्रेप्टोकॉकस, याद रहना चाहिए।
हाँ वाई एन गोस्वामी, वेरी गुड, बहुत पूछा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एसोसिएटेड विद एजोला इन द फील्ड ऑफ राइस फील्ड यानी पैडी फील्ड वाला, चलो जवाब दो। एनावीना प्लस एजोला, एनावीना एजोली, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट या डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस अगेंस्ट व्हाइट रस्ट इन ब्रेसिका, बीटी कॉटन टू इंक्रीज कॉटन यील्ड, लेडीड बर्ड बीटल अगेंस्ट एफिड्स इन मस्टर्ड। तो देखे क्या दिए हैं भाई सब लोग, सी 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 सी। तो बेटा क्या आंसर हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन, ये है बेटा आपका क्या, बायो कंट्रोल, ठीक है ना। न्यूक्लियो ब्रेसिका में होगा नहीं, मस्टर्ड, बीटी कॉटन टू इंक्रीज कॉटन यील्ड। तो बच्चों कॉटन यील्ड तो ये इंक्रीज करेगा, लेकिन एक कट किसको करता था भाई, बटरफ्लाई कैटरपिलर को, ठीक है ना। और यहां पे क्या है भाई, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, या तो मुझे लग रहा है यहां पे नॉट करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बेटा आपका लेडी बर्ड बीटल होता है, वो भी सही है। इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ, मेन 2012, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड। इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ, मेन्स 2012 बेटा, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा आपको पता होगा सबसे ज्यादा कौन होता है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट और क्या बताना है, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग, रॉन्ग कौन कौन सा है, क्लोस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यू बॉर्न बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजेंस, तो भाई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडीज होता है, तो गलत हो जाएगा। चिकनगुनिया इज कॉज बाई अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वायरल है। टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट, ये बात सही है। बियर इज मैन्युफैक्चर बाय डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन है। तो क्या हो गया भाई, तीन गलत हो गए एक सही हो गया, तो आंसर हो गया बी आपका। जरा बताइए कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाता है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडीज पाया जाता है। गुड इवनिंग सोनू जी, कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाता भाई। हाँ ये तो सिंपल था, चलिए जवाब दीजिए, यस आईजीए। द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज, मीन्स 2012 क्वेश्चन है, क्या होगा, हैज अ हाई बीओडी एज इट कंटेन्स बोथ एरोबिक एंड एनोरोबिक बैक्टीरिया, इट प्रोसेस्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया
एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. व्हेन ट्रीटेड इन एसटीपीज डज नॉट रियली रिक्वायर द एरेशन स्टेप एट द सीवेज कंटेंस एडिक्वेट ऑक्सीजन हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स. तो बेटा ये आपका पहले एरोबिक, उसके बाद बेटा क्या होगा एनारोबिक बैक्टीरिया. तो सिंपल था, पहले एरोबिक देन एनारोबिक. द मोस्ट कॉमन सब्सट्रेट यूज इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल कॉर्न मिल सोया मिल ग्राउंड ग्राम मोलेशस. आज ही बताया था, चलिए जवाब दीजिए इसका. इथेनॉल बनाने में सबसे कॉमन क्या यूज किया जाता है? अभी बच्चे 27 का आंसर. यस डी मोलेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर नहीं है. 2011 क्वेश्चन बेटा, एग्रोबैक्टीरियम राइजोबियम नास्टॉक माइकोराइजर. एग्रोबैक्टीरियम राइजोबियम नास्टॉक माइकोराइजर. तो बच्चों आपको पता है राइजोबियम भी यूज होता है, नास्टाक भी होता है, माइकोराइजा भी है, तो क्या नहीं होगा? एग्रोबैक्टीरियम नहीं होगा. सिंपल सा आंसर है भाई. फोर कैसे हो जाएगा अनुश्री? आज ही तो बताया था साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद बेटा आपका राइजोबियम, फ्री लिविंग एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम और माइकोराइजा, सब क्या थे भाई? फर्टिलाइजर. हाँ भाई गुरु प्रसाद डी क्या कर रहे हो भाई, आज ही बताए थे. सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली 2011 क्वेश्चन बेटा, कैसा होगा? फिजिकल मैकेनिकल केमिकल बायोलॉजिकल. तो बच्चों कैसा होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्या जरूरत है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज. लॉफिंग गैस, प्रोपेन, मस्टर्ड गैस, मार्स गैस. नाम बदल दिया गया बच्चों इसमें. लॉफिंग गैस, प्रोपेन, मस्टर्ड गैस, मार्स गैस. तो भाई क्या हो जाएगा ये, जरा जवाब दीजिए भाई. यस इट्स दी मार्स गैस यानी मीथेन. बच्चों लॉफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O. मस्टर्ड गैस आपको याद होना चाहिए, पूछा जाता था पहले, कोई जानता हो तो बता दे. एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप. एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम राइजोबियम नॉस्टॉक. चलिए जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है. हाँ भाई मार्स, सही जवाब दिया आप लोगों ने. यस सीमा अवनीश. बच्चों राइजोबियम होगा क्योंकि सोयाबीन मतलब क्या हो गया आपका? लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूम्स है, लेग्यूमिनस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका? राइजोबियम. अरे पॉइजनस गैस मस्टर्ड है, नाम पूछ रहे हैं. इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू अ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ. तो बच्चों ये तो सिंपल है, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू. तो आज ही बताया था बेटा टू प्यूरिफाई एंजाइम्स. तीन प्रकार के होते हैं, फेड बैच, बैच एंड कंटिन्यूअस. ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन सल्फर रॉक, कैटल यार्ड, पॉल्यूटेड स्ट्रीम, हॉट स्प्रिंग. ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन सल्फर रॉक, कैटल यार्ड, पॉल्यूटेड स्ट्रीम, हॉट स्प्रिंग. अब तक तो जवाब आ जाना चाहिए था भाई, कैटल यार्ड्स, काउडंग. फिल इन द ब्लैंक. अ ड्रग यूज्ड फॉर
पेशेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बी, ए और बी बताना है। तो बच्चों ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट से कौन मैच कर रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन, ए, तो आंसर हो जाएगा बी। हाँ भाई वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में चार स्टेटमेंट दिया है, अब पूछा है कौन से करेक्ट हैं। यूटिलाइजेड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन, नहीं भाई ये तो जीएमओ की कैटेगरी में आएगा। यूज ओनली नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट लाइक कंपोस्ट, ये बात सही है। डज नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया, ये भी बात सही है। प्रोड्यूस वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात नहीं है, तो सारे में आएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2011, इन 2011 का क्वेश्चन बेटा 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग मैचिंग, रॉन्ग मैचिंग ऑफ अ माइक्रोब्स एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वाइल द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट। ईस्ट बिड स्टैटिन, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम बुटालम बुटालिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड। तो बच्चों बेटा ब्यूटालिका में तो कौन सा होना चाहिए था, ब्यूटारिक एसिड, यही गलत हो गया, बाकी आपको याद ना होता लेकिन ये तो याद ही था आपको। क्वेश्चन नंबर 40, सेलेक्ट द करेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर 2010, चलिए बताइए। बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट, मिथेनोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरियम फाउंड इन रूमेन ऑफ कैटल, बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज अ प्योर मिथेन, प्योर तो होता नहीं भाई, एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज अ रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, और बात यही आपका सही है, क्योंकि भाई प्योर मिथेन नहीं होता है, गलत हो जाएगा, एनरोबिक बैक्टीरिया होता है इसलिए गलत हो जाएगा, ये भी एनरोबिक होता है इसलिए गलत हो जाएगा। भैया क्या जवाब दे रहे हो आप लोग, 40 का कई लोग ए दे रहे हैं और कई लोग डी दे रहे हैं, कई तीन भी दे रहे हैं। बच्चा इधर देखो, बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ एनरोबिक बैक्टीरिया होगा ना, ठीक है ना, मिथेनोजेंस, मिथेनोबैक्टीरियम इज एनरोबिक होगा, ये भी गलत हो गया। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड प्योर मिथेन थोड़ी ना होता है, मिथेन होता है, CO2 होता है, तो एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट, सेडिमेंट है ये बेटा आपका एरोबिक बैक्टीरिया था ना, फ्लॉक्स एरोबिक बैक्टीरिया विद फंजस। तो भाई एरोबिक एरोबिक अरे प्योर मिथेन गलत हो गया, फोर्थ सही हो गया, ए डी वाले भाई देख लो ध्यान से। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है आपका, अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, बैक्लोवायरस, बैसिलस थुरिंजियंसिस, ग्लोमस, ट्राइकोडर्मा, फिर वही घिसा पिटा सवाल, ट्राइकोडर्मा देखो कितनी बार आ गया है। द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड, फिर वही क्वेश्चन आ गया भैया, राइजोबियम, एजोस्पारिलम, ऑसिलेटोरिया एंड फ्रंकिया। तो बच्चों यहां पे पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया नहीं पूछा है, कॉमन नाइट्रोजन फिक्सेसर की बात कर रहा है, तो ये यूज होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, एजो स्पाइरिलम बहुत पुराना क्वेश्चन है, पहले पढ़ाया जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो भाई ग्लोमस को यूज कर लोगे, अर्थवाम को भी यूज कर सकते हो, ऑसिलेटोरिया यानी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, स्नेल का कोई मतलब नहीं वहां पे, तो आंसर हो जाएगा डी। एन एग्जाम्पल ऑफ इंडो माइकोराइजा, तो कौन सा होगा बेटा, माइकोराइजा मतलब फंजाई यानी ग्लोमस। ठीक है, तो लास्ट के जो क्वेश्चन थे बेटा वो थ्रू द पॉइंट थे, सिंपल सा आंसर था, मैंने इसलिए भी रखे हुए थे, एनसीईआरटी से एक आध पॉइंट अलग से था, काफी पुराना क्वेश्चन भी है आपका, 11 साल पुराना, तो भाई थोड़ा बहुत आउट तो दिखेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है इस चैप्टर से। अब बेटा जो लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका 183 पेज, 184 और लास्ट का जो बेटा जो पेज था 186, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद होना चाहिए,
अभी आपका रिकॉल करा दिया, बाकी आप घर बैठ के रिकॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, आज आपका एक और चैप्टर खत्म हो गया। पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए, अपने मेंटल लेवल को मेंटेन रखिए, विल पावर को इन्हेंस करिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, करा देंगे। सीमा, एक चैप्टर खत्म हो गया विद PYQ, बच्चा छोटा चैप्टर था। हाँ प्रशांत बच्चा, मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। जैसा भी हो बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।